ये देखिए पाव अच्छे से सिक गए हैं, इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे सभी की फेवरेट पाव भाजी। बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद होती है। आप इसे किसी भी स्मॉल पार्टी या मेहमान आने पर बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम भाजी की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले एक कुकर में हम डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई लौकी। ये 2 आलू मैंने लिए हैं, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। 3 बारीक कटे हुए टमाटर, 1/2 कप मटर लिए हैं, ये मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, अगर फ्रेश अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ में 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1/2 टीस्पून नमक और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसमें मैं डालूंगी लगभग 1/2 कप पानी, और इसको ढक्कन लगाकर हम गैस पे रखेंगे और 2 विसल आने तक इसको पकाएंगे। ये वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं, अब हम इसको इस तरह के मैशर से अच्छे से मैश करेंगे। अगर आपके पास ये मैशर ना हो तो आप इस तरह की मधाणी भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको छौंक लगा लेते हैं। इसको छौंक लगाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल, और इतना ही मैं डालूंगी बटर। बटर को मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा। ये मैंने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है, इसको इस तरह से चलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, ये मैंने 5-6 कली लहसुन की ली है और इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। लहसुन को हम थोड़ा सा भुनेंगे। ये लहसुन थोड़ा थोड़ा भुन गया है, अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, ये मैंने 3 प्याज लिए हैं और इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गोल्डन होने तक भुनेंगे। ये प्याज अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक याद रखिएगा हम पहले भी डाल चुके हैं, इसलिए उसी हिसाब से हमें डालना है। साथ में डालेंगे लाल मिर्ची, ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में इसमें मैं मिलाऊंगी पाव भाजी मसाला, ये मैं 2 टीस्पून डालूंगी। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें ये जो हमने भाजी कुक करी थी इसको डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसको एक उबाल आने तक पकने देंगे। इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है, अब लास्ट में मैं इसमें निचोड़ दूंगी 1 नींबू। ये नींबू का रस हम इसमें डालेंगे लास्ट में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये भाजी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए इतनी गाढ़ी हमें इसको रखना है। इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। भाजी बनकर तैयार हो गई है, अब हम पाव को सेक लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तवे पे डालेंगे थोड़ा सा बटर, और अब हम पाव को बीच में से मैंने कट कर लिया है, इसको इस तरह से रखेंगे। पाव को इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए इसको हम दोनों साइड से सेक लेंगे। ये देखिए पाव अच्छे से सेक गए हैं, इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। भाजी अभी हमारी गर्म ही है, इसके ऊपर लास्ट में हम डालेंगे बटर, और साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी।
अब मैं भाजी को एक सर्विंग बाउल में डाल देती हूँ और अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज। ये देखिए, पाव भाजी बनकर तैयार हो गई है और ये खाने में बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।